मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बचपन से ही हमेशा स्कूल में भी कॉलेजेस में भी हमेशा कृष्णा ही बनता था बिकॉज ऑफ द नेम ऑब्वियसली. एंड दिस फील्स वेरी मी, दिस फील्स वेरी इट कम्स फ्रॉम विद इन. एंड ये जो आउटफिट जहां तक देखा जाए तो बहुत ही कैजुअल है, नॉर्मल है और बहुत सादगी है, बहुत अच्छी लगती है. हैप्पी बर्थडे बोलते थे, ठीक है, बहुत ही क्यूटली. और हमारे कॉलोनी में ना वहाँ पे झांकियाँ लगाया करते थे बहुत. झांकियों में छोटे छोटे बच्चे कृष्णा और राधा बनते थे और ऐसे पालकी में कृष्ण जी को बिठा के उनको झूला झुलाया जाता था. तो वो चीज़ें बहुत स्वीट और सिंपल और बहुत ही अच्छी हुआ करती थी. कॉम्पिटिशन लगते थे किसकी झांकी सबसे खूबसूरत है. तो मेरी जन्माष्टमी की यादें तो वही हैं. एंड ऑब्वियसली स्कूल में टीचर से लेके स्टूडेंट से लेके जितने बच्चे थे सब यही बोलते थे हैप्पी बर्थडे. तो या इट्स फन. तो मेरी मेमोरीज कुछ ऐसी है जन्माष्टमी से. एंड टुडे वी आर अबाउट टू क्रिएट मोर मेमोरीज फॉर जन्माष्टमी फॉर यू गाइस, फॉर अस. लेट्स सी हाउ इट गोस. आप सभी को कृष्णा की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान करे, कृष्ण भगवान करे कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाए और हसीन जाए और आपको भी अपनी जिंदगी में राधा मिले, राधा नहीं तो गोपियां तो मिल ही जाए. एंड हैव फन.